नमस्ते दोस्तों, बहुत बारी हमारे पास ACL टेयर के साथ पेशेंट्स आते हैं और बहुत सारे लोग ACL टेयर के लिए हमको पूछते हैं, सर आप कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, और आप मुझे बताएं इंटरनल ब्रेस टेक्निक या फाइबर टेप से हमको ऑपरेशन करवाना है तो कितना खर्चा आएगा, या मुझे तो उसी से ही करवाना है, बायोस्क्रू तो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उससे हमको नहीं करवाना, हम तो इंटरनल ब्रेस से ही करवाना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है कि मुझे इंटरनल ब्रेस टेक्निक से ही ऑपरेशन करवाना है, ये सही है या गलत है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा आज। तो जो इंटरनल ब्रेस है वो एक टेक्निक है। अब वो टेक्निक क्या होती है कि जो ACL आपका लिगामेंट इस जगह से फटा हुआ है ना, यहाँ से टेयर हो जाता है, तो उसमें जो लिगामेंट नहीं लगती है उसके साथ में एक धागा जाता है या एक मोटा सा फाइबर टेप लगता है, वो एक धागा का एक पार्ट होता है, वो उसमें लग जाता है और वो एक ग्राफ्ट को सपोर्टिंग काम करता है। तो नॉर्मली हमारे बॉडी में कभी भी कोई स्टिफ पार्ट नहीं होता है, लिगामेंट हमेशा लचीला होता है, बट ये एक स्टिफ पार्ट अंदर चला जाता है जो लिगामेंट को प्रोटेक्ट करता है आगे और डैमेज होने से या ज़्यादा लूज होने से उसको बचाता है। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी टेक्निक है, बट यही जो टेक्निक है वही चीज़ से होना चाहिए, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ये मैं कहूँगा नहीं। डेफिनेटली बायोस्क्रू जो होता है ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है, बहुत ही कारगर टेक्निक है, उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। फाइबर टेप करने से इसमें डेफिनेटली कॉस्टिंग बढ़ जाती है। के अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, नई जो सर्जरीज है जैसे LET, लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस, जो हमने पुराने वीडियो में भी बताया था कि उसमें जो एक अलग से हम ALL लिगामेंट बनाते हैं उससे आपका जो ACL का लिगामेंट है उसके ऊपर स्ट्रेसेस या प्रेशर और जल्दी कम हो जाता है और वो नेचुरल आपका ही एक एक्स्ट्रा लिगामेंट हम लगा रहे हैं। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ या बाहर से कोई भी चीज़ फाइबर टेप हम नहीं लगाते हैं। बहुत बारी फाइबर टेप से हमको ये भी बताया गया है कि सर हमको ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन चीज़ है, जैसे हमारा ओरिजिनल नी था, घुटना पुराना नी था, उसमें ऐसा लगता है कि फाइबर टेप में कोई चीज़ अलग से है, घुटना सेम पुराना जैसा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसमें एक अलग से एक धागा है जो आपका ओरिजिनल धागा नहीं है और वो ज़्यादा स्टिफ है, एक तो वो कारण है। दूसरा, कोई भी फाइबर टेप या धागा अंदर होता है तो वो एक फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी होती है तो वो बॉडी कोई ना कोई उसमें रिएक्शन या एक्शन करती है ताकि वो आपको उसमें उसको निकालने का ट्राई करेगी, तो इसमें इन्फ्लेमेशन या कभी कभी इन्फेक्शन के चांसेस भी थोड़े से बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और दूसरी चीज़ें ये होती है कि स्टिफनेस जो होती है वो उसकी बढ़ जाती है तो आपके नी में थोड़ा सा एक नेचुरल जो टेंडेंसी या प्रोप्रियोरिसेप्शन हम कहते हैं वो पार्ट भी थोड़ा सा कम हो जाता है। बट डेफिनेटली दोनों ही चीज़ें अपने में कारगर है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप कोई भी सर्जरी कराना चाहो तो किसी को भी इन्फीरियर मत करो कि ये इंटरनल ब्रेस ही सबसे बेस्ट टेक्निक है। इंटरनल ब्रेस टेक्निक तो बहुत बढ़िया है, बट साथ साथ बायोस्क्रू और LET, अगर आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो या आप रनिंग करना चाहते हो या आप जॉगिंग करना चाहते हो और जल्दी करना चाहते हो और आपके लिगामेंट के फेलियर के चांसेस भी आपको कम कराने हैं और आपको नी को भी नेचुरल फील देना है आपको, तो ACL विथ बायोस्क्रू LET के साथ में कंबाइन करना भी एक बहुत बेहतर बेहतर विकल्प है आपके लिए, रादर देन ओनली थिंकिंग कि भाई मुझे बायोस्क्रू नहीं कराना है, मुझे तो सिर्फ इंटरनल ब्रेस से ही कराना है। तो आई होप आपको इस वीडियो द्वारा बायोस्क्रू और इंटरनल ब्रेस के दोनों में डिफरेंसेस और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में कुछ जानकारी मिली है, और आपको अपनी सर्जरी के लिए कोई भी सर्जरी करवाने से पहले आपको एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।